तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसका ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला वीडियो। तो गाइज आपको सिंपली तो क्या करना है, आपको अलाइट इसके लिए बनाने के लिए आपको चाहिए तीन एप्लीकेशंस। तो वो एक है अलाइट मोशन, दूसरा है वी एन ऐप और तीसरा है टाइम ऑफर। तो गाइज इसके लिए पहले आपको अलाइट मोशन ओपन कर लेना है और इस इधर 16:9 का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट भरना है। तो इधर से आपको क्या करना है, प्लस पे आइकन के जाके जो भी आपका वीडियो रहता है उसको इधर लेके आना है। तो गाइज प्रीमियम मैंने लिया नहीं अलग मोशन का, प्रीमियम ऐप आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा बात है। तो गाइज इधर आपको इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट करना है। तो इफेक्ट में जो आप लोगों को बताता हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, जो जो इफेक्ट इधर लगाने वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फर्स्ट इफेक्ट है एक्सपोजर एंड गामा। तो इसमें एक्सपोजर आपको 0.50 के आसपास रखना है, गैमा को आपको 0.650 तक आपको लेके जा सकते हैं आप इसको। तो इधर ये सर रिप्लेस कलर में जाना है, सेकंड ऑप्शन लेना है रिप्लेस कलर में। रिप्लेस कलर में ये वाला कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और ये वाला कलर आपको बता दो मैं कैसे सिलेक्ट करना है। तो इधर 80 या 90 तक आप इधर इसको रख सकते हो और 70 के आसपास इसको रोको। तो ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला कलर सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद विजिनिटी में जाना है, विजिनिटी में जाने के बाद इसको साइज 155 तक आप रख सकते हो, राउंडनेस इसको 0 रखो, इधर 1 रखो और स्ट्रेंथ इसको 0.800 रख दो। तो इसको आपको सिंपली इधर जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उसको एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वी एन ऐप में आना है, वी एन ऐप में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपने जो भी वीडियो काइन मास्टर में एडिट किया है, अलाइट मोशन में एडिट किया है उसको इधर लेके आना है। तो ये वाला मेरा वीडियो है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, जो अलाइट मोशन में है वो गायब होना चाहिए। तो ये देखिए इधर मैं इसको अच्छे से जूम कर लिया, तो ये वाला सिलेक्ट किया। तो ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि आपने भी इसको म्यूज़िक भी ऐड करना है ना। तो इधर मैं जाऊँगा सिंपली और जो चम्मक छल्लो का म्यूज़िक है वो इधर मैं ऐड कर लूँगा, ये चम्मक छल्लो का म्यूज़िक है, तो इसको मैं इधर ऐड कर लूँगा। तो जहाँ तक म्यूज़िक है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेना, इधर ही मेरा म्यूज़िक है, इसको मैं स्प्लिट कर लूँगा, इसको डिलीट कर लूँगा, इसको भी मैं इधर इधर तक रखूँगा और इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। इसको एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसको एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू करना है, क्रिएट न्यू को भी जाके 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, 16:9 रेशियो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो वीडियो आपने उधर बनाया है उसको इधर लेके आना है। तो ये रहा मेरा वो वीडियो। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो करना है। ऑडियो एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं अपन। तो इधर आपको देखना है कि भाई जिधर भी बीट आ रहा है उधर आपने को मार्क कर लेना है। तो इसको म्यूजिक सुनना पड़ेगा पहले। तो जिधर भी बीट आता है आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। बीट आ रहा है उधर आप लोगों को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, उधर आप लोगों को फोटो ऐड करना पड़ेगा ना, जो फोटो रहेगा वो ऐड कर लेना है इसके बाद में। देखिए ऐसा बीट सिलेक्ट कर लेना है ओके। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, इधर से ट्रिम टू राइट करना है, राइट को इधर से ट्रिम कर लेते हैं। तो आगे जो रहेगा उसमें हम फोटो ऐड करेंगे। भाई ये देख सकते हैं अभी इस पर नेम ऐड करना है आप लोगों को। नेम कैसे ऐड करना है भाई वो सब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है। इधर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो भी मैं आपको कंटेंट दिया हूँ उसमें से लेटर सिलेक्ट कर लेना है। तो लेटर में अभी अपना क्या है, पंजाब है ना नेम, तो उधर तो अपना नेम यूपी सिलेक्ट किया है ना हम लोगों ने, तो यू इधर से ले लेना है। इधर से यू लेने के बाद इसको थोड़ा आगे रखेंगे और यू को हम क्या करेंगे, इसके इसमें जाने के बाद अपन जाएंगे ब्लेंडिंग में। तो ब्लेंडिंग में जाके इसको अपन स्क्रीन कर देंगे। तो स्क्रीन करने के बाद ये देखिए ये वाला आ गया इधर, तो इधर यू को इधर रखेंगे थोड़ा सा। आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब हम इसको थोड़ा और ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं। तो इसमें परफेक्ट बनाने के लिए आपको जाना है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाके हम थोड़ा सा इधर उसका
कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दे, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा दे, थोड़ा अच्छा देखेगा ना। हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा दे, शेडोज थोड़ा सा बढ़ा दे, गेन भी थोड़ा सा बढ़ा दे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें आप इधर कलर भी एडजस्ट कर सकते हो, मैं इसको ब्लू रखूँगा। तो यू यू करना है, इधर यू आ गया। अभी आपने को चाहिए यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश का पी चाहिए, तो पी के लिए फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जो लेचर्स मैंने दिए वो लेचर्स इधर से सिलेक्ट कर लेना है, लेचर्स में जाके पी को सिलेक्ट कर लेना है। पी में आप देखिए इसको ब्लेंडिंग भी फिर से जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। तो सिंपल बात है भाई, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको ईजी तरीके से कर सकते हो। पी को जाने के बाद हम थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए बहुत अच्छा दिखेगा ये, एडजस्ट करने के बाद बहुत सही वाला दिखता है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट बढ़ाती है, शैडो भी बढ़ाती है, तो ओके ये हो गया एडजस्टमेंट। और इधर इसको थोड़ा बड़ा कर दे, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश थोड़ा ऊपर वाला दिखेगा भाई। तो भाई ये देख सकते हो अभी काफ़ी ऊपर वाला दिखेगा, कैसे आ गए। तो इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी अपने को फ़ोटो चाहिए, तो जो भी फ़ोटोज़ मेरे पास है उसको मैं इधर इंपोर्ट कर लेता। तो गाइस आप देख रहे हो ये फोटो इधर आ चुके हैं। अभी इसको फ़ोटो को स्प्लिट करना है अपने को, जहाँ से जहाँ मैंने पॉइंट बनाया है ना, मार्क किया था, उधर से इसको ट्रिम टू द राइट करना है। रुको रुको, इसको ट्रिम टू द राइट करना है। ओके, इसको भी ट्रिम टू द राइट करना है। भाई इधर किधर जा रहा है यार, ट्रिम टू द राइट करना है। ओके, इसको भी कर दे, इसको भी ट्रिम टू द राइट कर लेते हैं। ओके, इसको भी ट्रिम टू द राइट करना है। इसको ट्रिम करने के बाद मतलब क्या होता है ना, जो अपना म्यूजिक के जो बीट रहेगा ना, बीट के साथ ये मैच हो जाएगा फोटोज़। तो इसको भी राइट से ट्रिम कर लेते हैं, और यहाँ तक म्यूजिक है, यहाँ से अपन इसको सीधा ट्रिम कर लेते हैं। तो आगे का जो है वो डिलीट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो अभी काफ़ी ऊपर वाला। तो इसको अभी क्या करना है, आप लोगों को एनिमेशन देना है। तो क्लिप ग्राफिक्स में जाके आप जो इफेक्ट में दे रहा हो उसको ऐड कर लेना है। तो ये देखो ये वाला इफेक्ट आ गया, अभी इसको तो दूसरा वाला इफेक्ट देते हैं, इसको ये वाला देते हैं, इसको एक वाला इफेक्ट देते हैं, ये वाला इफेक्ट देते हैं, इसको ये वाला इफेक्ट देते हैं इसको। तो ऐसा कर करके आपको भाई एक एक को इफेक्ट दे देना है, और उसके बाद सिंपली आपको इसको क्या करना है, अभी थोड़ा सा मैं आपको सुना के दिखा रहा हूँ। तो गाइस देख, इसको जाके एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइस काफ़ी ऊपर वाला ये वीडियो बना है, तो आप लोग भी इसको सिंपल तरीके से वीडियो बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे भाई।